जिले में बढ़ रही डेंगू पीड़ितों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लोग सतर्क रहें, डेंगू के मरीज 452 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जो चिंता का विषय है। ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है अगर इसे समय रहे ना पकड़ा जाए तो। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा है कि अपनी जान की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने आसपास गंदा और साफ किसी भी तरह का पानी ना रहने दें। अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढककर रखें, जैसे कि फुल बाजू पहने। मेरे को एक्चुअली सिविल अपने हॉस्पिटल के बीच 25 पेशेंट एडमिट है। मेरा 36 बेडेड का जोड़ा है अपना डेंगू वार्ड तैयार किया है। पहले साढ़े को सिर्फ 8 बेड सी, आज तो असी 14 किए, 14 तो असी 31, तो हूँ कल 5 बेड होर बढ़ाए ने, तो 36 बेड साढ़े को अवेलेबल ने। इस वे मेरे को 25 पेशेंट है, 11 बेड डेंगू के फैल रहे हैं। अभी तक टोटल 457 पेशेंट हो चुके हैं। तो उन्होंने जोड़े आप जिन्हें इतने साढ़े पेशेंट दाखिल भी हुए हैं, असी 20 पेशेंट अभी ट्रेडर्स ही दे चुके हैं। तो उन्होंने किसी ने 2 यूनिट भी लगे ने, किसी ने 3 ही लगे ने। तो प्लेटलेट भी मेरे ब्लड बैंक के अवेलेबल हैगा, वो कोई शॉर्टेज नहीं हैगी। बाकी होर भी डेंगू की सारी जो ट्रीटमेंट वगैरह इतने असं फ्री करते हैं। कोई हाँ, लोगों को मैं एक ही अपील करनी है कि हाले डेंगू का एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते होर चलना है। तो तुसी जो अपने घर जो पानी इकट्ठा होंगे वा, जो छत कोई टायर पिया या कोई गमला पिया या कोई वैसे बर्तन पिया, वो तुसी हफ्ते च एक दिन ड्राई डे जरूर रखो। उस दिन एक हफ्ते च एक दिन तुसी पानी जरूर चेंज करना। और जो लार्वा जो मॉस्किटो जो साफ पानी होंगे उनके हफ्ते 7 दिन का साइकिल होंगे, मतलब एग्स तो मॉस्किटो बनने पूरे 7 दिन लगते हैं। तो जो असी इन्हों का एक दिन हफ्ते पानी वगैरह चेंज करांगे या जो स्प्रे करवावे तो वो फिर मच्छर नहीं बनेगा, लार्वा नहीं मर जाएगा। तो फिर इस तरह कारपोरेशन वाले भी फॉगिंग करवा रहे हैं। साड़ी टीम जी है वा जितने भी जितने एरिए जो पॉजिटिव आंदा केस, साड़ी टीम सर्वे करती है, फीवर सर्वे उत्थे जाके तो आले दुआले 40-50 घर देखते हैं। उन्होंने लार्वा अगर मिलता तो उन्होंने डिस्ट्रॉय करते हैं, तो बाकी उन्होंने हेल्थ एजुकेशन देते हैं। इस तरह ही कारपोरेशन के नाल मिलकर भी सारी फॉगिंग हो रही है। तो बाकी यही अपील है लोगों ने, तो पानी का जरूर जो इकट्ठा नहीं होना, साफ पानी के बीच होंगे। और दिन के वेले ही कटदा मच्छर, जो 2 घंटे ने सूरज निकलने के बाद तो डुबन तो 2 घंटे पहले, इन्हें 4 घंटे जो मैक्सिमम कटता है वाइट करता है। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।